भाइयों बहनों, देश में आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां डबल तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव पक्का घर बनाकर दे रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन दे रही है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव गांव का भी विकास कर रही है और शहरों का भी विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार पंजाब में ज्यादा तेजी से सड़कें बनवाएगी, ज्यादा तेजी से पंजाब में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। भाजपा सरकार आएगी तो जालंधर समेत इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, उद्योगों को गति देने के लिए काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विशेषकर छोटे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दे रही है। आज पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में, 23 लाख से ज्यादा किसान, अकेले मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, 23 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक में जमा हो रहा है। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी भी भाजपा सरकार ने दोगुनी से ज्यादा बढ़ाई है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाए। कोरोना की वजह से वैश्विक बाजार में खाद के दाम बढ़े, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि ये इतना बड़ा बोझ आया है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर बहुत भयंकर बोझ आया है, लेकिन ये बोझ हम किसानों के माथे नहीं जाने देंगे। हमने किसानों को वो बोझ ट्रांसफर नहीं किया, सरकार की तिजोरी खाली की, लेकिन किसानों को खाद उसी दाम से देते रहे जो पहले हम देते थे। सारा बोझ हमने सहन किया।